सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। लॉजिकल रीजनिंग नंबर सीरीज का टॉपिक चल रहा है और हम जो है सी फाउंडेशन की जो बुक है उसके सभी क्वेश्चन नंबर सीरीज के कर चुके हैं और इसके अलावा मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दिए हैं और उसके आगे जो क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं है और जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे मेथड हैं उनके बारे में हम डिस्कस करें। तो आप समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होगा। देखो 11 के बाद आपको दे रखा है 13, इसमें प्लस 4 का डिफरेंस है, इसमें प्लस 2 का डिफरेंस है, इसमें प्लस 4 का डिफरेंस है, फिर प्लस 2 का डिफरेंस है, फिर प्लस 4 का डिफरेंस है, फिर जो है प्लस 6 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सभी के सभी प्राइम नंबर है। 11 के बाद 13 आया, 13 के बाद 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। तो सभी के सभी जो है प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब इसके आगे की जो प्राइम नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 31। तो 31 हमारे इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर चूज किया है प्राइम नंबर्स को। ओके, इसलिए इसका आंसर हमारे पास कितना जाएगा, 31। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 31। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल अलग मेथड का जो है क्वेश्चन है। देखो आप यहाँ पर आपको देख रहा है 7 और 7, यहाँ पर देख रहा है 49, यहाँ पर 36, यहाँ पर 18। तो देखो आप 7 और 7 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 49। ओके, 7 और 7 49। 49 में 4 और 9 है, तो 4 और 9 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 36। ओके, 36 में 3 और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 18। देखो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, इसके बारे में सोच ही नहीं सकते कि कैसे आएगा। ठीक है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन। और 18 में 1 और 8 है, तो 1 और 8 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो है वो आ जाएगा 8। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल अलग हटके क्वेश्चन है, तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपको मिल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप, 3, 15, 5, और 3 और 5 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसी तरह से 5 और 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 63 आ जाए, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा 9। ओके, क्योंकि 9 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 63। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिखे हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्वेश्चन में क्या है। देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का, इन दोनों में डिफरेंस 3 का, फिर इन दोनों में डिफरेंस 2, फिर इन दोनों में 3, फिर इसमें 2, इसका मतलब 2, 3, 2, 3 का जो डिफरेंस चलता रहा, इसका मतलब इसके आगे वाले में 3 का डिफरेंस होगा। और 14 में जब मैं 3 प्लस करता हूँ, 14 में जब मैं 3 प्लस करता हूँ तो मेरे सामने क्वेश्चन का जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 17। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके सामने, और अब तो आपकी प्रैक्टिस होगी होगी तो आपको और भी आसान लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखें, इसमें प्लस 2 का डिफरेंस है और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये प्लस 2 का डिफरेंस तो है, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 प्लस 2 4 तो होता है, लेकिन यहाँ पर बाकी सभी में मल्टीप्लाई का रूल लग रहा है तो उसमें भी हम मल्टीप्लाई का ही रूल लगा देते हैं। तो पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, इसका मतलब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 144 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 3 चौक 12, 3 चौक 12, 13 का 3 हासिल 1, 4, 432 जो है हमारे इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आपके सामने आया वह आया 432। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में पहला पॉइंट दे रखा 10, 20, 12, इसी तरह से आगे है। तो आप इस रूल को एक बार समझने की कोशिश करें कि इस को हम आगे कैसे करेंगे। ठीक है, बताएं आप आंसर इसका क्या आएगा। देखो फिर 10 प्लस किया फिर 8 माइनस कर दिया, कन्फ्यूजन है। तो चेक कर लेते हैं, क्या पता एक सीरीज छोड़ के एक सीरीज हो। देखो 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16 और 16 प्लस 2 18, बिल्कुल हो रहा है फॉलो। इसका मतलब एक छोड़ के एक सीरीज है ये। 20 में से 3 माइनस करूँगा
इसमें प्लस टू क्या, इसमें प्लस टू क्या, इसमें प्लस टू क्या, इसमें प्लस टू क्या, इसमें माइनस करता हूँ 17 आता है, 17 में से 3 माइनस करता हूँ तो मिल गया आंसर, और 14 में से जब 3 माइनस करता हूँ तो 11, और 11 में से जब 3 माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 8। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो यहाँ पर जब 62 दे रखा है, फिर 64 दे रखा है, 30, 32, 14 और 16। देखो एक डिफरेंस तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 64 में मैं डिवाइड बाय 2 करूँगा तो 32 आ जाएगा, और 32 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 16 आ जाएगा। ओके, अब 62 ये तो सीरीज का पता चल गया, 62 और 30 में क्या डिफरेंस है? देखो मैं क्या करता हूँ कि 62 में से मैं 2 माइनस कर देता हूँ, इसमें से मैं 2 माइनस कर देता हूँ। एक बार आप समझ लीजिए, देखिए इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, इसमें से मैं 2 माइनस कर देता हूँ कितना आ जाएगा, 62 में से मैंने 2 माइनस किया तो कितना आ जाता है 60, और 60 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है 30 आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको पहले माइनस 2 किया फिर डिवाइड बाई 2 किया। ओके, अब देखो 30 में से क्या करेंगे, 30 में से 2 डिवाइड करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, और 28 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसी तरह से 14 में से क्या करेंगे, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 को जो मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। डिफरेंस आप देख रहे हो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, एक सीरीज में तो 2 से डिवाइड करके डिफरेंस चल रहा है और एक में माइनस 2 करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सिंपल है, इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया 2 आ गया, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके तो 64 आ जाएगा, सॉरी 24 आ जाएगा, 24 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आ जाएगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, देन अगला जो आ जाएगा वो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका। यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क, तो 12 को जब 120 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 720 जो है हमारे इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, 12×6=72। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है, इन दोनों का डिफरेंस देखो आप कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस मैंने देखा 462 और 420 का जो डिफरेंस है जो है 42 में से मैंने इसमें से क्या कर दिया माइनस कर दिया, और इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने 40 को माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 420 में से मैंने 40 को माइनस किया तो 380 आ जाएगा। इसमें 42 इसमें 40 इसका मतलब इसमें से 38 माइनस होना चाहिए और इसमें से 36 माइनस होना चाहिए, यदि ये इस रूल को फॉलो करते हैं तो हमारा आंसर आया पड़ा है। इसलिए मैं क्या करता हूँ 380 में से मैं 38 को माइनस करता हूँ, ठीक है। 10 में से 8 कह दो, 7 में से 3 क्या 4, 342 है, 342 आ सकता है इधर, यदि इसमें से 36 में माइनस करता हूँ तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 12 में से 6 क्या 6, 3 में से 3 क्या 0, बिल्कुल सही जो है हमने अनुमान लगाया वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब 342 ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर आ जाएगा 342। तो इस तरह से हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। देखो 64 से 48 तो देखो कितने की जमी होगी, 64 में से जब मैं 48 घटाऊंगा तो मेरे पास 16 बचेगा, 16 कम हो गए, ठीक है। और 48 से 40 आते हुए 8 कम हो गए, और इससे जगह माइनस 4 कम हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं 2 कम, इसका मतलब आगे हो जाएगा 1 कम। ये जीपी सीरीज का जो इंटर जो डिफरेंस चल रहा है वो जीपी सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है ना, वो भी माइनस में। तो 16 कम, 8 कम, 4 कम, 2 कम, तो 1 कम हो जाएगा। और 34 में से जब मैं 1 कम करता हूँ तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आ जाता है हमारे सामने आ जाता है 33। तो उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं आपको, एक वीडियो मैंने कल बनाया था, एक वीडियो मैंने आज बनाया है 10-10 क्वेश्चन का, ये कुछ हटके होंगे, इनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, और आगे के वीडियो में और भी शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।